बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज के हवाले से है और नाइट्रिक एसिड के यूजेस भी होंगे इसमें। प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड हैज केमिकल फार्मूला HNO3। इट्स प्रिपरेशन, इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लेबोरेटरी में पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल को हीट किया जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। केमिकल इक्वेशन KNO3 प्लस H2SO4 gives us KHSO4। KHSO4 जो है ये पोटाशियम बाइसल्फेट का, इट इज कॉल्ड पोटाशियम बाइसल्फेट और पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो दिस इज देयर वी गेट नाइट्रिक एसिड। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में नाइट्रिक एसिड कैसे तैयार किया जाता है? प्रोसेस नेम इज बिर्कलैंड आईडीज प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड इन द इंडस्ट्री। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक आर्क? इलेक्ट्रिक आर्क इज इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ द गैस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस व्हिच चेंजेस इनटू प्लाज्मा एंड दिस प्लाज्मा रिएक्ट इन दिस प्लाज्मा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस हैपेंस एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म इज कूल्ड क्विकली टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एट विच इट डज नॉट डिकम्पोज। इट इज क्विकली कूल्ड डाउन सो दैट इट मे नॉट डिकम्पोज। इसे जल्दी से ठंडा कर लिया जाता है ताकि ये टूट ना, ब्रेक डाउन ना हो जाए। इसकी रिएक्शन है हमारे पास N2 1 मोल, ऑक्सीजन गैस 1 मोल एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड gives us 2 moles of nitric oxide gas. Number 2, at 600 degree centigrade NO combines with O2 to form NO2 nitrogen dioxide. At 600 degree centigrade nitric oxide combines with oxygen to form nitrogen dioxide. Reaction is given as NO plus O2 gives us NO2. Number 3, nitrogen dioxide is absorbed in water to give dilute nitric acid along with nitrous acid. जो nitrogen dioxide यहाँ पर ऊपर प्रोड्यूस हुआ है इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इससे हमारे पास HNO2 nitrous acid और HNO3 nitric acid बनता है। Number 4, nitrous acid is oxidized to nitric acid and nitric oxide which is reoxidized to NO2. 3 moles of nitrous oxide gives us HNO3 nitric acid, nitrogen dioxide and HO2. नाइट्रिक ऑक्साइड, देयर विल बी नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज रीऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन टू गेट मोर नाइट्रिक एसिड। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है इस नाइट्रिक ऑक्साइड को रीऑक्सीडाइज करते हैं, दोबारा ऑक्सीडाइज करके इसको नाइट्रिक एसिड में तब्दील कर देते हैं। ये डायग्राम है मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड की। ये हमारे पास
इलेक्ट्रिक आर्क है यहाँ पर, ये गैस है दरमियान में, गैस प्लाज्मा में चेंज होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके वो नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इज कैरीड इन टू ए कूलर सो दैट इट मे नॉट डिकम्पोज। इसका ये इसको कूलर में ले ठंडा करते हैं ताकि डिकम्पोज ना हो। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज इन ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर टू नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस। इन ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर वही ऑक्सीडाइज नाइट्रिक ऑक्साइड, हम नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कैरीड टू द एब्जॉर्प्शन टावर वेयर वाटर इज सेपरेट ऑन इट। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम एब्जॉर्प्शन टावर में ले जाते हैं, वहाँ से वाटर स्प्रे करते हैं, वाटर स्प्रे करने पर रिएक्शन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और वाटर का, नतीजे में नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड भी डिकम्पोज होकर नाइट्रिक एसिड बना देता है, तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और जो वेस्ट गैस होती है उसको यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को, तो वो दोबारा रिसाइकल हो जाती है, यहाँ पर दोबारा ले आते हैं उसको। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की खसूसियात, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है विच फ्यूम्स स्ट्रांगली इन एयर, जो कि फ्यूम प्रोड्यूस करता है, फ्यूम दुखान कहते हैं उर्दू में, धुआं सा होता है ये, वो प्रोड्यूस होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। इट हैज ए पंजेंट स्मेल, इसकी पंजेंट स्मेल चुभने वाली बू होती है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.53। स्पेसिफिक ग्रेविटी के यूनिट नहीं होते, जो नाइट्रिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.53 है, इसके यूनिट नहीं होते, ये रेशो होती है। ये नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी और जो वाटर की डेंसिटी की रेशियो होती है उसको फिर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, तो इसके यूनिट नहीं होते। रिएक्शंस, नंबर वन, नाइट्रिक एसिड इज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो आम टेम्परेचर पर ही लाइट की मौजूदगी में नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है। जब डिकम्पोज होता है तो फोर मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड gives us 2 moles of water, 4 moles of nitrogen dioxide and 1 mole of oxygen gas. This decomposition occurs in the presence of light at ordinary temperature. That is why nitric acid is called fuming acid. Number 2, it is very strong acid. It exhibits all the usual general property of acid in all reaction. तो ये बहुत ही ताकतवर तेजाब है, ये शो एक्टिवेट का मतलब होता है शो करना, दिखाना, ये दिखाता है तमाम ही आम खसूसियात एसिड्स की, जो एसिड भी जो दूसरे एसिड प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो ये भी प्रॉपर्टीज शो करता है वो वाली। वेयर इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आर नॉट शोन, जहां पर इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो नहीं की जाती। इट रिएक्ट्स इन नॉर्मल वे विद बेसिक ऑक्साइड्स, ये बेसिक ऑक्साइड के साथ नॉर्मल में वे में रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्साइड के साथ, कार्बोनेट्स के साथ, फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव साल्ट्स, और ये मुजलका साल्ट बना देता है बेसिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके। रिएक्शन आर गिवन बिलो। दिस इज ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड गिव्स अस कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 twice plus 1 mole of water. This is hydroxide. Sodium hydroxide 1 mole plus 1 mole of nitric acid gives us sodium nitrate and 1 mole of water. This is carbonate. Sodium carbonate plus 2 moles of nitric acid gives us 2 moles of sodium nitrate plus 2 moles of water. And
there will also be production of carbon dioxide gas, CO2. It is missing here. Carbon dioxide gas will also produce. So carbon dioxide gas will also be produced in this reaction. Number 3, it acts as a strong oxidizing agent due to the ease with which it is decomposed. हमने पीछे पढ़ा इसका in the start of this reaction topic, we have studied that nitric acid decomposes and produces oxygen. This decomposition produces nascent oxygen actually, and nascent oxygen oxidizes the other matter or chemical reacting with nitric acid. तो nitric acid जो है nascent oxygen, ये जो bracket में लिखी हुई है square bracket में, ये atomic oxygen है या nascent oxygen कहलाती है. ये entire reactive होती है nitric acid, ये nascent oxygen produce करता है. ये nascent oxygen मुख्तलिफ चीजों को oxidize कर देती है. अब देखते हैं किस किस को oxidize करती है nitric acid जो है. Number 1, it oxidizes non-metal to their corresponding oxides. Carbon plus 4 moles of nitric acid gives us carbon dioxide plus 4 moles of nitrogen dioxide plus 2 moles of water. So carbon changes into carbon oxide. Phosphorus, 5 moles of nitric acid gives us phosphoric acid, 1 mole, 5 moles of nitrogen dioxide and water. Number 3, sulfur plus 6 moles of nitric acid gives us sulfuric acid, 6 moles of nitrogen dioxide and 2 moles of water. So it changes non-metal to their oxide or acids. Number 2, metalloids like arsenic and antimony can be oxidized to their corresponding acid. जो मेटलाइड क्या होते हैं, ये सेमी मेटल होती हैं, सेमी मेटल, हाफ मेटल, लाइक आर्सेनिक और एंटीमनी. ये सेमी मेटल है, ये आर्सेनिक है AS और ये एंटीमनी है SB. इनको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देती है ये. ये रिएक्शन एक्सरसाइज में भी हैं दिए हुए और बोर्ड में भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आए हुए हैं. आर्सेनिक प्लस 5 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड गिव्स अस हाइड्रोजन आर्सेनेट H3ASO4 plus 5 moles of nitrogen dioxide plus water. Antimony plus 5 moles of nitric acid gives us hydrogen antimonate plus 5 moles of nitrogen dioxide plus water. Number 3, nitric acid behaves differently with different metals. Mukhtalif metal ke saath reaction mukhtalif hota hai nitric acid ka. A, gold, platinum, iridium, titanium do not react. ये noble metal हैं, ये nitric acid से reaction नहीं करती. B, iron, cobalt, nickel, chromium, aluminium are rendered passive by the acid due to the formation of film layer on the, of oxide over them. तो iron, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम ये पैसिव हो जाते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते. वजह क्या है, जब ये नाइट्रिक एसिड टच करता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम को, तो इनकी जो सरफेस होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो जो ऑक्सीडाइज सरफेस लेयर होती है, ऑक्सीडाइज तय होती है, जो ये तय प्रोटेक्ट करती है मेटल को फर्दर रिएक्शन से, मेटल को बचा लेती है ये, तो ये मजीद रिएक्ट नहीं करते. सी, टंगस्टन एंड यूरेनियम आर चेंज इनटू देयर ऑक्साइड. टंगस्टन, ये जो पुराने जो जमाने में बल्ब होते थे फिलामेंट वाले, उनमें टंगस्टन इस्तेमाल होती थी, और यूरेनियम जो एटम बम बनाने के इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं. डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैगनीज गिव हाइड्रोजन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. मैग्नीशियम plus 2 moles of dilute nitric acid gives us magnesium nitrate plus hydrogen gas. Manganese plus 2 moles of nitric acid dilute gives us manganese nitrate plus
प्लस हाइड्रोजन गैस ई कॉपर एंड लेड गिव नाइट्रिक ऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद कंसंट्रेटेड एसिड। आप ये याद रखिए, ये रिएक्शन दोनों जो हम पढ़ चुके हुए हैं, ये हमने नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में रिएक्शन पढ़ा था और ये हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन में रिएक्शन पढ़ा था। और याद रखें, जब भी मेटल का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। डाइल्यूट के रिएक्शन चेंज हो जाएंगे, डाइल्यूट में हो सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो, या लाफिंग गैस भी हो सकती है, या कुछ और भी चीज हो सकती है। लेकिन जब भी मेटल का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगा, तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जरूर प्रोड्यूस होगा। 3 मोल ऑफ कॉपर, 8 मोल ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, 3 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 4 मोल ऑफ वाटर। कॉपर प्लस 4 मोल ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स अस कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। मर्करी गिव्स मर्क्यूरस नाइट्रेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। 6 मोल ऑफ मर्करी लिक्विड, 8 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट gives us mercurous nitrate, and 2 moles of nitric oxide and 4 moles of water. With concentrated acid it gives mercuric nitrate and nitrogen dioxide. Here again you see there is nitric acid concentrated and we get nitrogen dioxide. तो जब भी nitric acid concentrated होगा तो nitrogen dioxide produce होगा। मर्करी लिक्विड प्लस 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड गिव्स अस मर्क्यूरिक नाइट्रेट प्लस 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। सिल्वर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू गिव सिल्वर नाइट्रेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। 3 मोल ऑफ सिल्वर प्लस 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड गिव्स अस 3 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। H dilute nitric acid gives ammonium nitrate when it reacts with tin. Dilute nitric acid ammonium nitrate produce karta jab ye tin ke sath reaction karta hai, tin ke sath. With concentrated nitric acid metastatic acid is produced. To number 1 reaction 4 moles of tin solid 10 moles of nitric acid dilute gives us tin nitrate SnNO3 twice, ammonium nitrate NH4NO3 plus 3 moles of water. Now there is concentrated acid and there is production of nitrogen dioxide. 10 plus 4 moles of nitric acid, metastatic acid H2SnO3 metastatic acid, 4 moles of nitrogen dioxide and 1 mole of water. तो यहाँ पर स्ट्रांग नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर इसलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। जिंक गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर। जिंक जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट देता है डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड चेंज करेंगे, तो जो प्रोडक्ट होगा जिंक जो प्रोड्यूस करेगा वो डिफरेंट होगा। Very dilute nitric acid gives ammonium nitrate. Moderately dilute nitric acid gives nitrous oxide, laughing gas. ये reaction हम पढ़ चुके हैं nitrous oxide, laughing gas की तैयारी में. While concentrated nitric acid gives nitrogen dioxide. ये reaction भी हम पढ़ चुके हैं. These are the reactions. First reaction 4 mole of zinc solid, 10 moles of very dilute nitric acid gives us 4 mole of zinc nitrate plus ammonium nitrate plus 3 moles of water. Now reaction of 4 mole of zinc with dilute nitric acid,
above there is very dilute nitric acid. Here it is dilute nitric acid, gives us 4 mole of zinc nitrate plus laughing gas plus 5 mole of water. Now the reaction of zinc with concentrated nitric acid, there is, you can see there is production of nitrogen dioxide. So abhi concentrated nitric acid se reaction hai, aap dekh sakte hain ki yahan par nitrogen dioxide bhi produce hua hai. तो जब भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जरूर प्रोड्यूस होगा. जिंक प्लस 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड गिव्स अस जिंक नाइट्रेट, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर. नंबर 4, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक फेरस सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड आर कन्वर्टेड इंटू फेरिक सल्फेट, सल्फर एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली. When they react with concentrated nitric acid, reaction are as follows: 6 moles of ferrous sulfate, 3 moles of sulfuric acid, 2 moles of nitric acid. Concentrated gives us 3 moles of ferric sulfate, 2 moles of nitric oxide, and 4 moles of water. 3 moles of hydrogen sulfide, 2 moles of nitric acid gives us 4 moles of water, 2 moles of nitric oxide, 3 moles of sulfur. 6 moles of hydrogen iodide, 2 moles of nitric acid gives us 4 moles of water, 2 moles of nitric oxide, 3 moles of iodine. Aqua regia, Urdu mein Aab-e Sultani. When 1 volume of concentrated nitric acid is mixed with 3 volume of concentrated HCl, aqua regia is formed. It is employed to dissolve gold and platinum. Aqua regia, अच्छा gold जो है ये किसी भी acid के साथ reaction नहीं करता, ना sulfuric है, किसी से acid reaction नहीं करता और ना ही dissolve होती है ये gold और platinum. लेकिन gold को हम aqua regia में dissolve कर सकते हैं. Aqua regia जबर बिन हियान ने तैयार किया था. ये कैसे तैयार होता है, हम जो है 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे और 3 सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, एक्वा रीजिया बन जाएगा. रिएक्शन देखें, 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, 1 वॉल्यूम, 3 मोल ऑफ HCl गिव्स अस नाइट्रोसाइल क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर. एक्चुअली जो यहां पर नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस होती है, जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड है ये डिकम्पोज होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड और एटॉमिक क्लोरीन प्रोड्यूस करता है. ये एटॉमिक क्लोरीन इंतहाई ज्यादा रिएक्टिव होती है, ये गोल्ड के साथ भी रिएक्शन करती है, प्लैटिनम के साथ भी, और उनको डिजॉल्व कर देती है, क्लोराइड में तब्दील कर देती है, और वो जो क्लोराइड होते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं और जिससे लगता है कि गोल्ड डिजॉल्व हो गया है. रिएक्शन देखें, नाइट्रोसाइल क्लोराइड गिव्स अस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस एटॉमिक क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन. दिस लिबरेटेड एटॉमिक क्लोरीन गैस कन्वर्ट्स नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम इनटू देयर वाटर सॉल्युबल क्लोराइड. तो ये एटॉमिक क्लोरीन जो है ये गोल्ड के साथ रिएक्शन करती है और गोल्ड के क्लोराइड्स बन जाते हैं. नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद ग्लिसरीन, टॉल्वीन and phenol to prepare material used as explosive like nitroglycerin, trinitrotoluene and picric acid respectively. Nitric acid जब glycerin से reaction करता है तो nitroglycerin बनाता है. Nitroglycerin ये explosive material है, धमाका खेज मवाद है और ये shock sensitive होती है. इसे झटका लग जाए या थोड़ी सी heat या light पड़ जाए तो ये धमाके से फट जाती है. ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT डायनामाइट में इस्तेमाल होती है. डायनामाइट जो एक्सप्लोजन करने के लिए, जो ये माइनिंग करने के लिए धमाके करते हैं वो डायनामाइट से करते हैं. और पिक्रिक एसिड जो है ये ट्राइनाइट्रोफिनोल होता है. ये हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनोल पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे पिक्रिक एसिड. तो ये जो चीज पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, नाइट्रोग्लिसरीन, ये धमाका खेज मवाद है. Uses, it is used
एज ए लेबॉरेटरी रिएजेंट, लेबॉरेटरी में आपको पड़ा नजर आएगा, आपको लेबॉरेटरी में देखें तो आपको नाइट्रिक एसिड नजर आएगा। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट तैयार करते हैं इस नाइट्रिक एसिड से, और भी फर्टिलाइजर हम तैयार करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव, ये हमने अभी पढ़ा, एक्सप्लोजिव तैयार करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रोटोल्यूमिन बिक्री कैसे। फॉर मेकिंग वार्निशेस एंड ऑर्गेनिक डाइज, जो ऑर्गेनिक कलर होते हैं, डाइज होते हैं, रंग होते हैं कपड़ों पे लगाने के लिए, वार्निश होती है पॉलिश करने के लिए जो है फर्नीचर को, तो वो उनके लिए नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम अबव टॉपिक, गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन बेकलैंड एंड आईडी प्रोसेस। बेकलैंड और आईडी प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन है वो लिखें आप। ये ऊपर हमने बेकलैंड आईडी प्रोसेस पढ़ा, इसमें चार रिएक्शन है, छोटी आसान रिएक्शन है बिल्कुल, ये चार रिएक्शन आप लिखेंगे। ये एक रिएक्शन पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा रिएक्शन, ये चौथा रिएक्शन। तो ये रिएक्शन लिखेंगे तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू, गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, आर्सेनिक विद, ये रिएक्शन नंबर टू जो है ये बोर्ड में भी आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन। दो रिएक्शन लिखेंगे, दो नंबर मिलेंगे आपको। हाउ गोल्ड एंड प्लाटिनम डिजॉल्व इन एक्वा रीजिया, हाउ गोल्ड एंड प्लाटिनम डिजॉल्व इन एक्वा रीजिया। तो ये आप एक्वा रीजिया वाला टॉपिक लिखेंगे, गोल्ड और प्लाटिनम कैसे डिजॉल्व हो जाते हैं, एक्वा रीजिया क्या होता है। What are uses of nitric acid? ये भी बोर्ड में शार्ट क्वेश्चन आया हुआ है, uses of nitric acid, ये चार uses हैं, ये चार लिखेंगे, चारों लिखने हैं आपने। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।